अच्छा भाई बच्चों, आप सबसे मैं बारी बारी बात करूंगी। अली, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहती हूँ कि मम्मा ऐसा क्या पकाते हैं ईद पे जिसकी आप फरमाइश करते हो? इसको पश्तो में बताना पड़ेगा। पश्तो नहीं सिखाई अम्मी अब्बू ने? दादा दादी नाराज नहीं होते? नाना नानी नाराज नहीं होते? Okay, what do you like? What is your favorite food? What is your favorite food? My especially for Eid. My favorite food is to eat in Eid. अंडा पराठा होगा and nuggets, है ना? देखो, I know. I think so. Chicken nuggets and nuggets. Yeah. Yes, chicken nuggets and nuggets. क्या हो रहा है? What about fries? What about fries? Huh? No. वो जो कलेजी है वो कौन खाता है? I don't like fries. काश के खाए, मेरा अरमान है कि मेरा बेटा कुछ खाए। तो ये बेटा तो नहीं खाता, लेकिन ये बड़ा, ये बड़ा वाला, बड़ा वाला अब्बा का बेटा है। ऑर्गन मीट मैं भी नहीं खाता। बड़ा बेटा भी नहीं खाता। कलेजी तो खुद खाती हो तुम? मैं अकेले, हम सारे, मैंने आपको बताया ना हमारी ससुराल में दो अलग किस्म के खाने बनते हैं। छोटा गोश्त भी कोई नहीं पसंद करता, ऑर्गन मीट भी कोई नहीं करता, वो सारी हम बहुएं खाते हैं। ये सारे बेटे नहीं खाते, ऑर्गन मीट नहीं खाते, वो नहीं खाते। नहीं तो वो लैम्प वैम कुछ भी नहीं? वो मैं पकाता हूँ, मतलब मैं स्पेशलिटी रखता हूँ अपने हाथ का पका हुआ खाते हैं। आपकी सोच है क्या, कैसे पकाते हैं? मुर्शिद, मुर्शिद ये बातें नहीं बताई जानी थी, ये निधर निकलवा दी सर। नहीं क्या, किस तरह पकाते हैं आप? जो नमकीन टिक्का होता है उसके पकाने में सिर्फ नियत चाहिए होती है, वो खुद ही पक जाता है। खास तौर पे दुम्बा जो है ना, अच्छा, क्योंकि दुम्बा ही ज्यादा चलता है, तो दुम्बा का एक वो है। तो दुम्बा खा लेते हैं? मटन छटन नहीं? नहीं नहीं, मटन भी खाते हैं, दुम्बा भी खाते हैं। जो है ना वो जो ताजा ताजा कटा हुआ गोश्त होता है, अच्छा, मटन को ज्यादा टाइम चाहिए। तो आप लोगों के घर पे ईद पे क्या भिंडी की भुजिया बनती है? अरे नहीं, हम लोग चने की दाल बड़े गोश्त वाले लोग हैं, क्या मतलब। अच्छा, हम तो बड़ों का इत्राम करते हैं। क्या हल्का ले रही है।